Hello my dear friends, welcome to the Sandha Nursing channel. So in this video we are going to study about latex allergy. So let's study about definition. Latex allergies occur when the body's immune system react to protein in the natural rubber latex. So latex allergy is nothing but ki jab hum ek natural rubber latex se jab exposure hote hai tab jo hai hamari body kya karti hai hamari immune system उसके अगेंस्ट जो है रिएक्ट कर देती है. सो उस रिएक्ट की वजह से जो है हमें एलर्जी डेवलप होती है. सो इट्स कॉल्ड एज अ लैटेक्स एलर्जी. लैटेक्स एलर्जी इज नथिंग बट व्हेन वी आर गोइंग टू एक्सपोज यू टू सम लैटेक्स रबर. सो व्हेन आवर इम्यून सिस्टम इज रिएक्ट्स अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर प्रोटीन सो इट्स कॉल्ड एज अ लैटेक्स एलर्जी. देन व्हाट आर द कॉजेस फॉर डेवलपिंग लैटेक्स एलर्जी. फर्स्ट कॉज इन हेल्थ केयर में देखेंगे. हेल्थ केयर सेंटेंस मीन्स इन द हॉस्पिटल ऑब्वियसली. सो कॉजेस क्या है. आईवी ट्यूबिंग की वजह से हो सकता है एंड सीरिंज ऑक्सीजन मास्क यूरिनरी कैथेटर्स एडेसिव टैप्स यूज करने से सर्जिकल ग्लव्स बलून्स कॉन्डम्स ये सभी में जो है पाउडर रहता है. सो उसके वजह से जो है हमें लैटेक्स एलर्जी भी डेवलप हो सकती है. एंड बलून्स में कॉन्डम्स हो गया रबर बैंड्स रबर बॉल्स एंड बेबी बॉटल निपल्स ये सभी हो गया हेल्थ सेंटर में मीन्स हॉस्पिटल में. इसके वजह से भी जो है हमें लैटेक्स एलर्जी होती है. एंड कौन कौन से फूड से सम फूड्स की वजह से भी जो है लैटेक्स एलर्जी डेवलप होती है. सो विच आर दोज बनानास एडवोकेट्स चेस्टनट्स कीवीज टमाटो. सो सम पेशेंट्स को जो है इस फूड से भी इस तरह के फूड से भी जो है लैटेक्स एलर्जी डेवलप होती है. ये हो गए कॉजेस एंड टाइप्स ऑफ एलर्जीज टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एलर्जीज सॉरी टाइप्स ऑफ लैटेक्स एलर्जी. सो उसमें जो है टाइप 4 जो कि कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है. मैंने ऑलरेडी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का जो है वीडियो अपलोड कर दिया है. अगर आपने नहीं देखा है तो आप कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का भी वीडियो देख लो. देन टाइप 1st एलर्जिक रिएक्शन. टाइप 1st एलर्जिक रिएक्शन में हम मेनली क्या देखते हैं एनाफ्लैक्सिस. एनाफ्लैक्सिस जो है इमरजेंसी कंडीशन है वेरी इमीडिएट इमरजेंसी कंडीशन रहती है. सो सडनली जो है पेशेंट में एलर्जिक रिएक्शन कंडीशन देख सकते हैं एनाफ्लैक्सिस में. सो मैंने एनाफ्लैक्सिस का भी वीडियो अपलोड किया है. अगर आपने नहीं देखा है तो गो एंड वॉच नाउ ओनली इस वीडियो के बाद. एंड सो टाइप्स कौन कौन सा है. टाइप 4 एलर्जी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के वजह से भी जो है ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में जो है हम ग्लव्स वगैरह सब यूज़ करते हैं उसके वजह से जो है आता है. एंड टाइप 1st एलर्जिक रिएक्शन की वजह से भी लैटेक्स एलर्जी डेवलप हो सकता है. सो सिम्टम्स क्या क्या है. रेडनेस होता है पेशेंट में प्रूराइटिस होती है इचिंग बिकॉज ऑफ द हिस्टामाइन्स रिलीज होती है प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से प्रूराइटिस होता है. फिशरिंग होती है हमारे स्किन में एंड क्रैकिंग ऑफ द स्किन रेडनेस अपीयर होता है स्वेलिंग होती है क्रस्टिंग होती है. क्रस्टिंग 24 to 28 hours में जो है क्रस्टिंग डेवलप हो सकती है. सो दीज आर साइंस एंड सिम्टम. देन व्हाट इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. स्किन टेस्ट करते हैं एंड ब्लड टेस्ट. स्किन टेस्ट में जो है कौन सा पर्टिकुलर उनको एलर्जी हुई है वो देखते हैं एंड ब्लड टेस्ट में जो है एंटीबॉडीज कौन कौन से प्रोड्यूस हुई है वो देखते हैं. देन नर्सिंग मैनेज मेडिकल मैनेजमेंट क्या है. फर्स्ट एडवाइस ऑफ प्रोडक्ट्स विच हैव लैटेक्स अवॉइडेंस नॉट एडवाइस सॉरी अवॉइड करना है जिस प्रोडक्ट में जो है लैटेक्स रहती है क्योंकि उनको पता रहता है कि ऑलरेडी लैटेक्स से जो है उनको एलर्जी हो रही है तो उनको बोलना है कि अवॉइड करो. अवॉइडेंस ऑफ प्रोडक्ट विच हैव लैटेक्स एंड एंटी हिस्टामाइन्स एंड एफिनेफ्रिन कैन बी यूज. एंटी हिस्टामाइन बिकॉज ऑफ दी अगर बिकॉज की हिस्टामाइन्स प्रोड्यूस होती है ज़्यादा मीडिएटर्स रिलीज होता है उसके वजह से जो हम एंटी हिस्टामाइन देते हैं क्योंकि इसे प्रिवेंट करने के लिए हिस्टामाइन्स को प्रिवेंट करने के लिए एंड एफिनेफ्रिन देते हैं. एंड नेक्स्ट है हेल्थ केयर प्रोवाइडर आर इंस्ट्रक्टेड टू यूज नॉन लैटेक्स प्रोडक्ट्स. हेल्थ केयर प्रोवाइडर मीन्स नर्सेस डॉक्टर्स ये सभी आ गए हेल्थ केयर प्रोवाइडर में. सम हेल्थ केयर प्रोवाइडर में सम नर्सेस को जो है लैटेक्स एलर्जी से जो है एलर्जी रहती है लैटेक्स. सो नॉन लैटेक्स प्रोडक्ट्स को यूज़ करो करके उनको एडवाइस देना है अगर हेल्थ सेंटर में अगर काम करते हैं तो. देन ऑब्वियसली अगर दूसरे काम में भी करते हैं तो वो आपको बोलना है कि नॉन लैटेक्स प्रोडक्ट्स को यूज़ करो.
देन एडवाइज हैंड वॉशिंग आफ्टर रिमूविंग ग्लव्स एंड एज इट लिमिट एक्सपोज टू लैटेक्स। तो उनको और एक एडवाइस देना है कि हैंड वॉश करो आफ्टर द रिमूविंग ऑफ ग्लव्स। ग्लव्स यूज़ करने के बाद जो है आप अच्छे तरह से हैंड वॉशिंग करो करके बोलना है। देन नर्सिंग मैनेजमेंट कंप्लीट हिस्ट्री हैज़ बीन कलेक्टेड फ्रॉम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टू आइडेंटिफाई लैटेक्स इन सेंसिटिव वर्कर्स। सो कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री कंप्लीट हिस्ट्री लेना है कौन कौन से लैटेक्स सेंसिटिव से क्या क्या है कौन कौन से वर्कर्स हैं वो सभी जो है हेल्थ कलेक्ट हिस्ट्री करना है हमें पूरा। देन असेस रिस्क फैक्टर प्रेजेंट इन पर्सन लाइक हे फीवर अस्थमा एलर्जीज टू सर्टेन फूड्स। देन एडवाइज द पर्सन टू यूज नॉन पाउडर ग्लव्स यूज करो करके बोलना है। देन नॉन लैटेक्स ग्लव्स वॉश हैंड्स आफ्टर रिमूविंग ग्लव्स क्लीन एरिया विच हैव कंटेमिनेटेड विद द लैक्टेस कंटेनिंग डस्ट। सो दिस इज नर्सिंग मैनेजमेंट। नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग ऑफ लैटेक्स एलर्जी। कैसे प्रिवेंट करना है? अवॉइड पाउडर ग्लव्स, चूज ग्लव्स केयरफुली एंड चूज लैटेक्स ग्लव्स करेक्टली। सो पाउडर ग्लव्स को अवॉइड करना है। अगर आप रिपीटेडली पाउडर ग्लव्स यूज करते हो तो आपको लैटेक्स एलर्जी होने की चांसेस रहती है। एंड चूज ग्लव्स केयरफुली। नॉन लैटेक्स जो रहती है ग्लव्स वो आप ग्लव्स वियर करो करके बोलना है। एंड यूज लैटेक्स ग्लव्स करेक्टली। लैटेक्स ग्लव्स जो है करेक्टली यूज करो करके आप जो है उनको एजुकेट करोगे। सो इस तरह से जो है हम प्रिवेंट कर सकते हैं लैटेक्स एलर्जी। इफ़ यू हैव एनी डाउट मीन्स प्लीज टेक्स्ट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।